नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको सादर प्रणाम। तो आज शुरू होता है छठ पर्व का त्योहार। आज कहते हैं नहा खा, हमारी बिहारी में, बिहार में और यूपी में स्पेशली इसे कहा जाता है नहा खा। इससे पहले बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी होंगी, लोगों ने अपने घरों में सामान वो लेकर लोड कर रहे होंगे। और आज स्पेशली नहा खा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन जितने भी डिवोटीज होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, वो नहा धो के और पूजा पाठ करके ही खाना खाते हैं। रोज तो करते ही होंगे, लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल होता है। और आज के दिन ही जो गेहूं है प्रसाद के लिए, जो गेहूं लाया जाता है, यहाँ कोई आटे वाटे से बनता नहीं है, ये गेहूं स्पेशली लाया जाता है, धोया जाता है। आज के दिन बहुत ही पाक पवित्र तरीके से, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। और आज मेरे घर में भी मेरी भाभी गेहूं धो रही होंगी और अच्छे से पसार रही होंगी छत पे। और क्या सरप्राइज आज के दिन मैं जा रही हूँ पटना। अभी मेरी फ्लाइट है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ, क्योंकि छठ पूजा है और मैं ना रहूं ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है और आज के बाद छठ पूजा तक का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको छठ पूजा की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी दिखाऊंगी। मैं आपको अपने घर का छठ पर्व दिखाऊंगी। साथ ही साथ इस बार एक सरप्राइज है कि हम अपने छत पे नहीं मना रहे हैं, इस बार हम मिलजुल कर पूरी कॉलोनी साथ में मनाएंगे। सो इट्स गोना बी रियल रियल फन। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं हम छठ पर्व का सफर। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पहले पटना, तो मैं जा रही हूँ। बाय बाय, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, विकास है नहीं और मुझे कैब पे जाना पड़ रहा है। सिया, मिलते हैं पटना में, बाय। मैं इतना सारा सामान, मतलब 2 महीने के लिए नहीं जा रही हूँ, ये एक्चुअली गिफ्ट से ही भरा पड़ा है लगेज। तो आप पहुंचे हैं मुंबई एयरपोर्ट। हेलो, मास्क तो चाहिए ना किसी ने पहचान लिया तो फिर से फोटो। ओह नो, केक्स केक्स एंड केक्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे टेम्प्ट करती हैं जब मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी, जी हाँ, बस उसके बाद मैं सीधे लैंड करती हूँ पटना। वेलकम टू पटना गाइस। तो हम लोग आ पहुंचे हैं पटना और पटना आते ही मैं वॉशरूम में हूँ। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस बैकग्राउंड। और अब बाहर बिट्टू और शिखा आ चुके हैं, देखते हैं हमारी छोटी लिंडा है कि नहीं। शी मस्ट बी वेरी एक्साइटेड। तो चलिए निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और देखते हैं कहाँ है ये लोग। सब बाहर खड़े हैं, वो देख के छोटी लिंडा हमारी सबसे मिल मिल के देखो, मेरी लीला पहले चॉकलेट लेके आई है। वेलकम 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 वेलकम। आओ कुटिया, आप कैसे हैं? आप तब हम लोग हैप्पी छठ पूजा में मिल रहे हैं। हैप्पी छठ पूजा टू यू ऑल। लीला हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा। तो ये माहौल होता है जब भी मैं छठ पूजा में आती हूँ अपने घर। ये देखिए मार्केट पूरा सजा धजा हुआ, बिल्कुल ही अलग। और ये है छठ पूजा का मार्केट। ये देखिए मेरा घर, वहाँ मम्मी बालकनी में। हाय मम्मी, हाय। ये देखो ये बदमाश लड़की को। तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर, पटना का घर। प्रियंका आ गई है पैर छूने के लिए, और प्रियंका आ रही है पैर छूने मेरा। ये देखिए चलो, हैप्पी छठ, हैप्पी छठ, हैप्पी छठ, हैप्पी छठ। फाइनली हम लोग आ गए हैं पूरा परिवार।
आइए यशिका, लिंडा चलिए, लिंडा चलिए, आइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और पीछे बैकग्राउंड में ये देखिए हमारी छुटकी लिंडा, व्हाट आर यू डूइंग? वॉकिंग। और ये जगह आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं नीचे क्यों हूँ और ये ऊपर क्यों हूँ और ये कितना चिल्लाती है। तो आज है दूसरा दिन, कल मैं ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि बिस्तर चेंज था और इसीलिए आज सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ गए क्योंकि मेरी भाभी उठकर आज गंगा स्नान करने जाती हैं, तो हम लोग भी सब जल्दी उठ गए। और ये देखिए ये मैं कहाँ हूँ लिंडा, हम लोग कहाँ पर हैं? इधर आइए, गड्ढे पे। अरे हम लोग हैं कहाँ, ये कौन सी जगह है, हम लोग कहाँ आए हैं घूमने? पता नहीं लिंडा, मेरे दर्शकों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। टेल देम वेयर आर यू, दिस इज अ घाट ना? घाट। तो ये जो है हमारी कॉलोनी का घाट है, ये देखिए जहाँ पर ये सभी लोगों ने मिलकर इसको बनवाया है, ये पूरा प्लॉट है, यहीं पर छठ पूजा होगा और यहीं पर पानी भरा जाएगा। तो हम सुबह सुबह बुआ भतीजी आए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, एम आई राइट लिंडा? यस। घाट ठीक है? यस। ओके, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन बनता है शाम को घी वाली रोटी। और प्रियंका और क्या बनता है रोटी के साथ, क्या खाते हैं रोटी के साथ, क्या खाते हैं? घी वाली रोटी खाते हैं। देखो उधर से सब्जी, घी वाली रोटी के साथ आज क्या खाया जाता है प्रियंका? लौकी। लौकी खाया जाता है, देख लीजिए। ये याद रखेंगे हमारा कल्चर, बिल्कुल सही बोला इसने। घी वाले रोटी के साथ लौकी खाया जाता है जिस दिन नहा खा होता है। आज है खरना, आज के दिन को, आज के दिन को कहते हैं खरना। और आज के दिन शाम को जितनी भी डिवोटीज होती हैं, जो परिवर्तन होती हैं, वो बनाती हैं सबके लिए प्रसाद, रोटी और खीर। चाहे वो खीर उसको कहते हैं रसियाव, जो पानी में बहुत लोग गांव में बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर दूध में बनाते हैं और गुड़ में बनाते हैं, यही उसकी खासियत है। और इस प्रसाद को खाने के लिए आस पड़ोस के लोग, जितने भी लोग हैं, वो बिन बुलाए भी आ जाते हैं। ये प्रसाद इतना पावन होता है, ये चूल्हे में बनता है और उसी चूल्हे में ठेकुआ भी बनेगा। तो बस शाम की तैयारी करते हैं। देखिए जिसने शादी की नहीं उनको पता है, नहीं नहीं इनको भी पता है, मम्मी को भी सबको पता है, लेकिन मैंने थोड़ा इनहेंस कर दिया।